सर साहब कैसे हो आप? What elaborate texture. Tell about yourself. Tell about yourself. और भाई आने 4,000 6,000 7,000 रुपये हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और ब्लॉग की शुरुआत नई वाली सिटी से आज हम आए हैं पीतासारी। ये है यहाँ की खूबसूरत सी सिटी। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। जो हम लोग से नाई के में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं उसका एक ब्रांच है यहाँ पे दिल्ली हाउस के नाम से। तो 3 दिन हम इधर आए हैं फूड ट्रायल के लिए। सिटी सारी एक जैसी ही है पूरे फिनलैंड में, तो ये भी सेम ही है। आजकल समर आ गया ना, पूरी धूप खिली हुई है और लोग सब बीच किनारे चले गए हैं। यहाँ पे पास में एक बीच है, लोग सब उधर गए होंगे। हम लोग कल रात को गए थे तो रात को मैं शूट नहीं कर पाया। अभी दिन में जाऊंगा तो शूट करूंगा। अरे भाई हमारा अकेले आगे लगा हुआ है। इस टाइम यूरोप में ना पूरा ऐसे ग्रीन हो जाता है, चारों तरफ ग्रीन। और यहाँ की सिटी, यूरोप असली घूमने का मज़ा समर में ही है क्योंकि समर में सारा खुल जाता है। पूरा शहर देखो आप। यहाँ पे दादा दादी की गपशप चल रही है। ये यहाँ का के मार्केट, खाने पीने का सामान सब इसी के अंदर। सेनोरिटा पलट, ओए पलट। ये लड़की नहीं पलट रही है। और ये है पीतासारी का सिटी सेंटर। तो मैंने पहले आपको ओलू का सिटी सेंटर दिखाया, अभी पीतासारी का सिटी सेंटर। ये बहुत बड़ा है सेनाई के सिटी सेंटर से और बहुत अच्छा भी है। और ये है दिल्ली हाउस जो हम सेनाई के में खोल रहे हैं। ये पूरी दिल्ली हाउस की बिल्डिंग है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये। तो सेम इसी का ब्रांच हम वहाँ पे भी खोल रहे हैं। ये बाहर बैठने के लिए समर में। मैं ले चलता हूँ आपको अंदर। यहाँ से आप अंदर जाएंगे। यो सर नमस्ते। बढ़िया। ये पूरा रेस्टोरेंट, ये बार, ये रेस्टोरेंट। हाँ जी जिता दिया। ये है यहाँ का किचन, ये स्टोर और ये किचन। शेफ साहब कैसे हो आप? जस्ट चिल। आज हम बना रहे चिकन के पकोड़े। शेफ चिकन के पकोड़े बना रहे हैं आज। Wow, what a lovely texture. ये भाई ने मेले भी रख दिया। पूरे दिन भर काम करने के बाद अभी बज रहे हैं शाम के 7। भाई हमारे फोन पे लगे हुए हैं। और एक भाई ये है विलियम। टेल अबाउट योर सेल्फ। Tell about yourself. No. No? Are you recording? Yes. ये लंबा भाई हमारा। What should I say? Tell about yourself, about Finland. It sucks. Huh? It sucks. The angle, it's more of a penthouse on the top, and the view from the top must be beautiful because he gets sun in the college. Yeah. I think this guy is a UPM manager. Pulong ki gati. Yeah, so he's got money. That's why he's got this penthouse. But that's my dream house. If I'll ever have money, I'll buy that house first. You buy it here. I mean, if I have money, luxury, maybe my summer house. तो अभी हम निकले हैं ड्यूटी से बाहर और रात के बज रहे हैं 9. धूप तो ऐसे लगी हुई है जैसे कि सुबह हो रही होगी. ये यहाँ का बीच साइड, पीतासारी बीच. शर्मीला लड़का शर्मा रहा है, बच्चों को खेलने के लिए बना रखा है. भाजी जर्मन बनना चाहता आप हैं? विलियम बेचारा विलियम लंबा है यार. लकड़ी का बना रखा है इसमें, पानी के बीच में. Once when I was there, ये तो हिल रहा है यार, ऐसा लग रहा है हम पानी के ऊपर तैर रहे हैं. अरे भाजी क्या बोलता अब? डरने के लिए बता तो जो कुछ मारे लाकर मैं पानी भीतर पड़ गया तो मुश्किल है. फिर गाँव में कुछ नहीं दिख रही यार. बिल्ले में एक घर ले ले हमारे लिए यहाँ यार, यहीं रह लेना हमने. खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, कितनी अच्छी जगह पे बनाया हुआ है ना. और इसके सामने पूरा समुद्र है, बोटें खड़ी हैं, बेजी फोन पे लगे हैं. ये को फिर मना करनी ना घूमना तक है. रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है यार, कितनी अच्छी जगह पे बना हुआ है. पाविस अब वो चिड़िया कुछ मांग रही है उसको खाने के लिए, तो अब क्या देना है उसको खाने के लिए. और ये रेस्टोरेंट के सामने वाला व्यू, आसमान में बादल, सामने सूरज. रात के बज चुके हैं 9:30. धूप तो अभी स्टिल बहुत धूप है, मेरी छाया भी दिख रही है धूप में. भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं. ये बंदा यार कुछ भी बोलता रहता है. मेरी परछाई से अंडे को क्या क्या होगा रे? हैं? अंडा. यो विलियम, हाउ आर यू? ऑल गुड. इसको मैंने बोला मेरी फोटो खींचो जरा वहाँ पे ना एक अच्छी सी. ये लोहे का है कि ये लकड़ी का है? लकड़ी का है, नीचे मत गिर जाइयो. हाँ तो उधर कहाँ खड़ा है? नीचे लोहा भी लगाया जाता है। विलियम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये बीच में तेरे को दिख रहा है लकड़ी का सब। से हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। ये जो डांग अन्ना है ये हमारा गाँव में भी बोलने हाथे डांग मुगे ये मेरी माँ यूरोप वैसे देखने के लिए बहुत खूबसूरत है। ये हमारे भेजी पीछे घूमता रहता है बंदा। ये है पावीस रेस्टोरेंट, बाहर समर में बैठने के लिए, और यहाँ से अंदर एंट्री। जब शाम को इधर बैठेंगे तो सामने का व्यू कितना अच्छा है। तो ये लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। फिर इधर इसका गार्डन है पूरा। मतलब अभी हम पहुंच चुके हैं घर, ये बंदा बिना चाबी के गेट खोल रहा है। खोल खोल नारायण नारायण। यहाँ पे हम रह रहे हैं और एक रात का कितना किराया है इसका? 85 यूरो किराया है हमारा। 85 यूरो एक रात का, 1200 चुगल देते हैं। अबे तूने ये गेट ऐसा क्यों खोल दिया यार? अब ये गेट बंद कैसे होगा? इस पर लॉक लग गया। अरे तो इसका एक रात का 85 यूरो है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। 85 मतलब 8 अठे 64, 6,000 7,000 रुपये का। ये भाई ने गेट खोला, अंदर घुसो। ओहो हो 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 ओहो हो ठाकुर साहब, ये देखो ये रूम हमें मिला हुआ है 3 दिन के लिए। ये हमारे बेड, टीवी, यहाँ पे बुक्स भी हैं बहुत सारी। अगर कोई बुक्स लवर है, कोई अगर कोई बुक्स पर करता है इन चीजों, नीचे लैपटॉप कैमरे रखे हैं, टीवी है देखने के लिए, टेबलें हैं। ये अपना किचन आ गया और ये अपनी बालकनी। किचन भाई बालकनी दिखाएंगे, चलो सर बाहर थोड़ा दिखाइए। ये हमारी बालकनी है, सुंदर सुशील व्यू है हमारे आउटसाइड। यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है, सुंदर सुशील बोला भाई ने। ये तो ये था हमारा आज का दिन। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।